मुल्क भर में महंगाई उरूज पर, रिटेल स्टोर के बजाय यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वालों के लिए भी बुरी खबर। मुख्तलिफ अशिया की कीमतें बढ़ गई, एक हफ्ते में दूसरी रेट लिस्ट आ गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की कीमत में 46 रुपए फी लीटर तक इजाफा। बच्चों का खुश्क दूध 10 से 40 रुपए तक महंगा। डिटर्जेंट की कीमत 6 से 45 रुपए बढ़ गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत गुज़श्ता हफ्ते भी घी, चीनी और आटा महंगा किया गया था। बिजली भी झटका लगाएगी, हुकूमत की सब्सिडी में कमी की तैयारी। घरेलू, कमर्शियल, सनती और ज़रई तमाम सार्फीन सब्सिडी कम और महंगी बिजली के लिए तैयार रहें। टैरिफ में तब्दीली की सिफारिशात नेपरा को भिजवा दी। ओवर बिलिंग के स्लेब पर भी दिया जाने वाला फ़ायदा भी ख़त्म करने की तजवीज़। फाटा और आज़ाद कश्मीर को दी जाने वाली सब्सिडी भी ख़त्म करने का फैसला। नेपरा हुकूमत की गाइडलाइंस पर 9 अगस्त को समाप्त करेगा। बजट के बाद से अवाम को महंगाई के तूफान का सामना है। बिजली और गैस महंगी तरीन हो चुकी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा हुकूमती रहनुमा अवाम की जेबों पर रोज डाके डालते हैं, लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। पेट्रोल मुल्क की तारीख में महंगा तरीन हो गया। नून से शीन निकालने के बजाय वुजरा आकर जुलाई में हुई तारीखी महंगाई पर वजाहत दें। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। वालिदैन के वकील ने दलायल ना दिए कि जाकिर और असमत जाफर ने पहले दिन से पब्लिक में कत्ल मजम्मत की, मुतासरा पार्टी के साथ हैं, अपने बेटे के साथ नहीं खड़े। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम की वालिदैन से बात हो रही थी, उन्होंने पुलिस को आगाह नहीं किया, बददियानती की बुनियाद पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। कराची के इलाके कुरंगी में 6 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल, मुलजिम जाकिर ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया। इकबाली बयान रिकॉर्ड, इससे कबल मुलजिम की शनाख्त परेड कराने की पुलिस की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। कहा, मुलजिम की तस्वीर पहले ही मीडिया पर दिखाई जा चुकी है। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। 24 घंटे में 46 मरीजों की जान गई, 4,722 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.2% रही। कोरोना के शोबिज सितारों पर अटैक, अदाकार फैसल कुरैशी और रोशना शाह के बाद नादिया हुसैन भी वायरस से मुतासर। सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट की तबीयत बदस्तूर खराब, वो निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। पाकिस्तान में यौमिया वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 11,39,580 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। मुल्क भर में अब तक 3,30,59,676 शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। आजाद कश्मीर का वजीर आजम कौन होगा, फैसला आज होगा। वजीर आजम इमरान खान ने अब्दुल कयूम नियाजी को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट पर इतला दी, मुतहदा अपोजिशन की तरफ से चौधरी लतीफ ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पुलिस के बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम। मुल्क भर में यौम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। आर्मी चीफ का खसूसी पैगाम, कहा पुलिस ने फर्ज की अदायगी में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए पुलिस का किरदार काबिले फख्र है। पिशावर में शहीद कमांडेंट FC सफवत गयूर को खराज तहसीन, पुलिस और FC के दस्तों ने सलामी पेश की। इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए। अरशद नदीम के आबाई इलाके मियाँ चनू में खुशी का समा, दोस्त रिश्तेदार घर पर मुबारकबाद देने पहुंच गए। अरशद नदीम के स्कूल टीचर्स भी दुआगो। मिडिल स्कूल तक नेजाबाजी की पहली तरबियत भी सरकारी स्कूल से हासिल की थी। ट्रेनर रशीद साकी का दावा, अरशद 90 मीटर तक थ्रो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेगा, ये 90 मीटर तक थ्रो फेंक सकता है।